जिला बिलासपुर के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर में कांग्रेस के पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने माता नैना देवी के दर्शन किए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और आरती में भाग लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और प्राचीन हवन कुंड में आहुति भी डाली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दो धार्मिक पर्यटन स्थल विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी और आनंदपुर साहिब को आपस में जोड़ने वाले रोपवे रंजू मार्ग का समझौता पंजाब और हिमाचल सरकार के बीच में हुआ है। दो बड़े धार्मिक स्थल रंजू मार्ग के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे और ये फैसला भी शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट के टेंडर होने वाले हैं और समय अवधि के अंदर या बनकर तैयार होगा और दोनों धार्मिक स्थल धार्मिक पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर कर सामने आएंगे और श्रद्धालु और पर्यटक रोप वे के माध्यम से पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा लेते हुए आनंदपुर साहिब से नैना देवी पहुंचेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बहुचर्चित पाकिस्तान दौरे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हर किसी को अपने हिसाब से चर्चा करने का हक है, लेकिन वह बाबे नानक का सिख है और माता जी का भगत है। मजहब जोड़ता है तोड़ता नहीं, मेरी आस्था जोड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि वह इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनसे बड़ा हिंदू और सिख भाईचारे का प्रतीक कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी माता हिंदू धर्म की थी और पिता सिख थे। उन्होंने उनके परिवार में जहां पर शिव आराधना की जाती है वहीं पर गुरुवाणी भी रोज होती थी, लेकिन मेरे से ज्यादा हिंदू और सिख भाईचारे का प्रतीक कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी माता जी ने मन्नत की थी कि माता वैष्णो देवी के दरबार में और माता नैना देवी के दरबार में तभी वह पैदा हुए और वह उनकी माता पिता के साथ कई बार माता नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये धार्मिक स्थल आस्था के केंद्र है और यहाँ आकर आत्म शांति महसूस होती है और माता नैना देवी जी की पूजा अर्चना करने से बल एवं ताकत प्राप्त होती है। और अगले उधर टेंडर भी होने वाला है और डेढ़ साल दो साल में कुछ मुकम्मल मुकम्मल तो ना पाकिस्तान दोनों बड़ा चर्चा चल रहा है। मेरी गल सुनो, हर चीज कोई भी बंदा किसी तरीके चर्चा कर सकता है, लेकिन मैं बाबे नानक का सिख हां, माता का भक्त हां, मैं तो एको चीज जानता कि मजहब जोड़ता है, मजहब आपस के विच जोड़ता कदे तोड़ता, और इस करके मेरी जिहड़ी आस्था है वो जुड़न वाली है। जुड़न वाली नूं तो उम्मीद है कि पाकिस्तान अगर प्रयास करते जाए तो सफल। मैं तुहानूं की कहा कि मैनूं इन्हां गल्लां दा जवाब इत्थे देना ठीक नहीं लगता और मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये एक आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र च बे इस प्रतीक नूं जोड़िया आनंदपुर साहब नाल, दो सरकारां ने जोड़िया, शहीद भगत सिंह दे जन्मदिन दे उत्ते जोड़िया। ये प्रमाण रखता भी पंजाब सरकार होवे चाहे हिमाचल की सरकार होवे, वो इस गल नूं मनदी है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सबब दे, एक नूर ते सबब पिया कौम भले को। और इसे चीज़ का एक होर प्रमाण है कि मेरे पिता सिख सी और मेरी माता हिंदू सी, दोनों जने स्टॉन्च वो बाणी पढ़ते सीगे और मेरी माँ जिहड़ी सी वो भगवान शंकर की आराधना करते। वाह, एको घर दे विच उन्होंने कदे रोकिया नहीं और बाणी का उच्चारण भी इकट्ठे करते। सो इस करके मेरे नाल ज़्यादा हिंदू सिख भाईचारे की मिसाल कोई कौन मिसाल दे। इस करके मेरी माँ ने मन्नता मंग के माता वैष्णो देवी इत्थे भी मेरी माँ आउंदी सी, मेरी मदर इतने भी बहुत बार आती, मैंने लैके भी आई है, मेरे फादर भी इतने बड़ी बार आए।